अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम भाई जान, आप ये रास्ता बताएंगे हमें ज़रा? ये आप ऐसा करेंगे, यहाँ से लेफ्ट चले जाएं। लेफ्ट राइट छोड़ेंगे तो कौन हो तुम लोग? बाद में बताते हैं, चुपचाप गाड़ी में बैठ। चलो शाम, चुपचाप। हेलो। हाँ क्या हुआ? ले आए। वेरी गुड, कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? जी नहीं, मेरे आदमी इस तरह कामों में काफी एक्सपर्ट। सौदा किया? अभी नहीं, आपसे पूछे बगैर कैसे कर लेता। हैवी डिमांड रखो, कुछ नीचे भी आएगा। आप बेफिक्र है मैडम, इतनी हैवी डिमांड रखूंगा कि डिमांड के नीचे दबके मर जाएगा। जितना कहा है उतनी ही बात करना, फालतू तो बात करने की जरूरत नहीं। जी मैडम। ठीक है, सौदा करने के बाद मेरे पास आ जाओ। ओके मैडम। ओके, अल्लाह हाफिज। आखिर आप लोग चाहते क्या मुझसे? तुमसे कुछ नहीं चाहते, जो कुछ चाहते हैं तुम्हारे बाप से ले लेंगे। फोन दे जरा इसका। हेलो ठेकेदार, तुम्हारा बेटा आदिल हमारे पास महफूज है, जब तक तू चाहेगा। क्या, कौन बोल रहे हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूं तुम्हें पता चल जाएगा, ज्यादा बात नहीं। बस की गाड़ी लिबर्टी चौकी मेन पार्किंग में मौजूद है। ले अपने बेटे से बात कर ले, ज्यादा बात नहीं, सिर्फ एक लाइन में। बाबा मैं नहीं जानता ये कौन लोग हैं, इन्होंने मुझे अगवा करके बांध रखा है। बाबा प्लीज मुझे बचा ले। बेटा तुम कहां हो? शक, क्या चाहते हो तुम? तेरी नाजायज दौलत से जायज हिस्सा, वरना तेरे बेटे का वो शेयर करूंगा। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा पैसों का, आना किस जगह पे है बताओ तो सही। पुलिस जराये के मुताबिक मॉडल टाउन लाहौर का रहायशी और एक सरकारी महकमे का कॉन्ट्रैक्टर हफीजुर रहमान का नौजवान लड़का अदील अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकला ही था कि चंद नामालूम अफराद ने उसे अगवा कर लिया। अगवाकारों ने मगवी का फोन इस्तेमाल करते हुए मगवी के वालिद को अगवा की खबर दी। पुलिस को इतला देने की सूरत में मगवी बेटे अदील के कत्ल की धमकी भी दे डाली। क्या मांगा? 1 करोड़। क्या बोला? वो कार से फोन करवाया था, 2 घंटे का टाइम दिया, रकम अभी तय नहीं की। कितना वक्त हो गया? 1 घंटे से ज्यादा हो गया। दोबारा फोन करो। अभी? हाँ, ज्यादा सोचने का वक्त नहीं देना वरना किसी से मशवरा करेगा। जी बेटा। ज्यादा बात नहीं, ज्यादा लंबी बहस नहीं, 30 से ऊपर डंड करना कम नहीं। शेख साहब मैं आज ऑफिस नहीं आ सकूंगा। जी जी शेख साहब, मैं आज बिजी हूँ, कल आके बात करते हैं। जी जी ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ रकम का बंदोबस्त हो गया? हाँ लेकिन रकम बहुत ज्यादा है, फौरी तौर पर मैं इतना अरेंज नहीं कर सकता। ठेकेदार, हमारे सामने झूठ नहीं चलता, सरकारी ठेकों से काफी माल बनाया तूने। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं, हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, 50 लाख दोगे और वो भी अभी? मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन अभी 15-20 कम है। तो ठीक है, 35 लाख में डन। लेकिन मेरे बेटे को खराज तक नहीं आनी चाहिए। यह भी तेरे पे डिपेंड करता है। और हाँ,
ज्यादा होशियारी की तो रकम तो बच जाएगी, बेटा नहीं बचेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये बताए कि पैसे लाने कहाँ हैं? तुझे बता दूंगा। और हाँ, 35 लाख याद रहेगा ना? हाँ। ओ यार, थोड़ी लंबी करता तो ये 50 भी दे देता। चलो खैर, ये देगा कब? वो तो मैंने उसे फोन करके बताना है। बहुत होशियारी से जाना पड़ेगा। एक बंदा वसूल करेगा, बाकी नजर रखेंगे। ठीक है। दौलतमंद बेईमान होने में देर नहीं लगाते। एक और बिहेवियर जो कि आयशा का बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, उसकी बेचैनी हर वक्त, उसकी हर वक्त की झुंझलाहट। हर वक्त वो अपने हाथों के साथ खेलती रहती है, हर वक्त वो गुस्सा करती रहती है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, जिसके अंदर इंसान को अपने इम्पल्सिस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। यानी कि जिस तरीके से आयशा अपने हाथों के साथ खेलते रहना, हर वक्त किसी ना किसी काम में मसरूफ रहना, अपने आप को मसरूफ रखना, वो अपने इम्पल्सिस को कंट्रोल नहीं कर पाती है। हेलो, रकम ले आया? जी जी लाया हूँ। पीछे कौन है? किसी को भी नहीं। होगा भी तो लग जाएगा पता बेटा। और बात सुन, जब मैं तेरे से पैसे ले लूँ ना, तो मुझसे बात नहीं करनी, सीधा निकल जाना। हाँ ठीक है जी, ठीक है। बाहर निकलो। तुम लोग? और तुम्हें बताते हैं कौन लोग हैं? मेरी बात, हम तुम्हारे बाप हैं। मेरी बात तो सुनो। और चलो चलो बैठो। मैडम, बेटा ज्यादा कीमती था या बाप ज्यादा कीमती है? हर बाप के लिए बेटा कीमती होता है, लेकिन बेटे के लिए बाप कीमती है या नहीं, ये तो अब पता चलेगा। जी उस्मान भाई, हुक्म। ठीक है उस्मान भाई, तेरा बाप तो वादे का बड़ा पक्का निकला यार। इकलौता बेटा है, दौलत किस लिए बचाएगा? चल खोल दे इसको। हर इंसान के डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी पैटर्न्स होते हैं। इसी तरह का एक पैटर्न आयशा की पर्सनालिटी में भी नज़र आ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये साइकोपैथ पर्सनालिटी है या एंटी सोशल पर्सनालिटी है। क्योंकि ऐसे लोग कभी भी सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, ये सिर्फ अपना और अपना मकसद पूरा करते हैं। इन्हें इस बात का गिल्ट नहीं होता कि इनकी वजह से दूसरों को क्या नुकसान पहुँच रहा है। कंडक्ट डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है, उसके अंदर भी इसी तरह के बिहेवियर्स होते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर एंटी सोशल पर्सनालिटी में चेंज हो जाते हैं, जिसमें सोसाइटी के नॉर्म्स की परवाह नहीं की जाती, लोगों को हर तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है, किसी दूसरे की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचा जाता है और अपने विशेष को पूरा किया जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से रकम डील कर देगा। मौत का खौफ तिजोरी के ताले खुद खोल देता है, वरना ये वादा करके मुकर जाने वाले लोग हकदार को उसका हक कब देते हैं? अगर ये लोग अपने हाथ से खुद हकदारों को हक दे दें, तो कोई भी इनके साथ ऐसा नहीं। ये उनको दे देना, और ये तुम रख लो। ये आप अपने पास रखिए, अगर जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। अभी हमारे दरमियान ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ कि मैं इन्हें अपने पास रखूं। इन्हें अपने पास रखो। अच्छा तो आगे करना क्या है? बाप का क्या करना? देखेंगे आगे क्या करना। बेटा तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तुम पर कोई तशद्दुद तो नहीं किया? नहीं, तवान ना मिलने की सूरत में धमकी दी थी,
तुम्हें क्या लगता है वो लोग कौन हो सकते हैं? नहीं पापा, मैं नहीं पहचान सका कि वो कौन लोग थे। पापा आपने कितनी रकम दी उन्हें? उसे भूल जाओ, तुम अपने जहन पर ज्यादा जोर मत दो। दौलत तो बेटा आने जाने वाली चीज होती है। पापा पुलिस को क्यों नहीं इत्तला कर दे? बेटा ये जाए पेशा लोग होते हैं ना, ये शेर नहीं बुजदिल गीदड़ होते हैं, जो सब एक ही टाइम पर एक ही शिकार पर टूट पड़ते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये बात आम हो। आप जो बेहतर समझे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई हरीफ कॉन्ट्रैक्टर भी इसमें शामिल हो सकता है। ये भी मुमकिन है बेटा, जहां हड्डी होती है ना वहां कुत्ते तो भौंकते ही। बहरहाल तुम लानत भेजो इस बात पर। अरे बेगम बेटा क्या आया है, आप तो चाय पिलाना ही भूल गई हैं। जी मैं अभी लाई। चूंकि ठेकेदार हफीजुर रहमान एक साहिब सरवत बाप था, उसने 35 लाख रुपए अगवाकारों को अदा किए और बेटे को रिहा करा लिया, लेकिन पुलिस को इतला देना मुनासिब ना समझा। लेकिन कुछ ही अरसा बाद बाहर निकलो। तुम लोग? और तुम्हें बताते हैं कौन लोग हैं? मेरी बात तो हम तुम्हारे बाप हैं। मेरी बात तो सुनो। और चलो चलो बैठो। आवाज नहीं बहुत जब कर सेठ मजा आ रहा है, अभी तो तुम्हें काफी देर जहां रुकना है। कौन हो तुम लोग? ठेकेदार हो, बहुत से लोगों को माल खिलाकर ठेका वसूल करते हो और हजारों लोगों का माल लूटकर अपनी जेबें भरते हो। समझ गए ना, तुम बच्चे हो ना हमारा नाम बोला है, रह गए हम लोग। हम तो मुलाजिम हैं। किसके? अपने बॉस के। इसलिए ज्यादा बहस नहीं, खामोशी से बैठ जाओ, इंतजार करो जब तक तुम्हारा बेटा तुम्हें रिहा नहीं करवा लेता। करवाता भी है कि नहीं? आप बाया उन पहाड़ के नीचे। जी मैडम। अब मजा आएगा। मैडम बेटा ज्यादा कीमती था या बाप ज्यादा कीमती है? हर बाप के लिए बेटा कीमती होता है। लेकिन बेटे के लिए बाप कीमती है या नहीं ये तो अब पता चलेगा। बाप बेटे की बात करवाई तुमने? जी मैडम करवा दी। फोन मिलाओ। हेलो। बाप चाहिए या लाश? प्लीज पापा को कुछ मत कहना। एक सौदा और भी हो सकता है। जी क्या? अकेले वारिस हो, आराम हलाल सब तुम्हारे लिए तो जमा किया हुआ है। जाओ तो बाप को मरवा कर मालिक बन सकते हैं, बस रकम थोड़ी और देनी पड़ेगी। पापा को कुछ मत कहना, मैं पैसे दे दूंगा आपको। माजद के जोई, अभी तक पापा पे प्यार आ रहा है? हाँ हेलो हेलो। काफी अच्छे जा रहे हैं। सराय के मुताबिक अदीलुर रहमान ने अगवाकारों को 20 लाख रुपए अदा करके अपने वाले ठेकेदार हफीज को रिहा करा लिया था, लेकिन क्या बाप बेटे की अगवाकारों से जान छूट गई थी? ऐसा नहीं था। अगवाकार कौन थे कोई नहीं जानता था, लेकिन अगवाकार को ठेकेदार हफीजुर रहमान और इसके कारोबार के बारे में मुकम्मल मालूमात थी।
वो जानते थे कि ठेकेदार हफीज एक ऐसी मुर्गी है जो हमेशा सोने का अंडा देती है और इतनी आसानी से इसलिए वो मजीद रकम हथियाना चाहते थे। लिहाजा फरवरी 2015 को एक बार फिर इसके बेटे अदील को अगवा करके 50 लाख रुपए तावान मांगा गया। 15 लाख रुपए पर सौदा तय हुआ और इस बार हफीज ने पुलिस को इतला दिए बगैर अगवाकारों के बताए हुए पते पर रकम लेकर पहुँच गया। लेकिन अब तो पूरा दिन गुजर गया रकम दिए हुए, हमारा बेटा अभी तक घर नहीं आया, आप पता तो करें। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ से पता करूँ? पिछली बार तो शायद रकम अदा करने के 5-6 घंटे बाद ही हमारा दिल घर आ गया था। मैं भी इसी बात पर परेशान हूँ कि पिछली दफा तो अदील जल्द घर आ गया था। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप पुलिस में इतला कर दें, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हो? मैं अपने बेटे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। वैसे भाईजान आपको पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए था। हाँ, इस दफा मैंने सोचा था कि जब अदील घर आएगा तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा। हेलो हेलो, क्या हुआ? बताता हूँ। क्या हुआ बताएं तो सही। बताता हूँ, तुम जरा पुलिस को इन्फॉर्म करो। जी भजन, मैं करता हूँ। रुक रुक रुक, पकड़ो पकड़ो ले। उस्मान, वैसे भाईजान आपको पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए था। हाँ, इस दफा मैंने सोचा था कि जब अदील घर आएगा तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा। हेलो हेलो, हफीजुर रहमान बेटा घर नहीं पहुंचा, परेशान हो? देखो, जब मैंने तुम्हें पूरी रकम दे दी तो अदील अभी तक घर क्यों नहीं आया? पाबंद नहीं है तुम्हारे, लहजा दुरुस्त रखो अपना। देखो, मैंने वादे के मुताबिक तुम्हें पूरी रकम दे दी। रकम लेने के बाद एहसास हुआ कि तुम्हारा बेटा तो बहुत कीमती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा बेटा तब घर पहुंचेगा जब 1 करोड़ रुपया मजीद अदा करोगे। देखो, तुम अपनी जुबान से फिर रहे हो, वादा खिलाफी है, यही बदअदबी है। ये वो अल्फाज हैं जिन पर तुमने कभी खुद अमल नहीं किया, ठेकेदार जो हो। देखो, मेरे पास जो कुछ था वो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। अभी भी बहुत कुछ है, सोच लो। हेलो हेलो, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं छोड़ रहे वो? 1 करोड़ रुपया मजीद मांग रहे हैं वो। भाईजान मेरी माने, भाईजान तो पहली फुर्सत में ही पुलिस की तलाक करें। भाई ठीक कह रहे हैं, पुलिस कुछ तो करेगी ना। बुरा मत मानिएगा भाईजान, जितनी आसानी से आपने उनकी इतनी रकम अदा कर दी है, उनके हौसले बढ़ चुके हैं, वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। आखिर कब तक आप उनको इतने पैसे देते रहेंगे? हाँ, शायद मुझसे ही गलती हुई है, मुझे नहीं पता, मुझे आप मेरा बेटा ला के दें। पुलिस के मुताबिक वक्फे से 70 लाख रुपए तावान अदा करने और अगवाकारों की तरफ से मजीद 1 करोड़ रुपए की डिमांड सामने आने के बाद कॉन्ट्रैक्टर हफीजुर रहमान ने पुलिस से राब्ता किया था। लिहाजा कॉन्ट्रैक्टर और इसके बेटे के साथ 3 बार अगवा बराए तावान की वारदातें रोनुमा हुई। बेगम हौसला रखो, अल्लाह की जात जो भी करेगी ना वो हमारे लिए बेहतर ही होगा। पता नहीं जालिम मेरे बच्चे को क्यों नहीं छोड़ रहे। हेलो हेलो, मेरी बात को समझो, मैं इस वक्त सिर्फ 50 लाख का बंदोबस्त कर पाया हूँ। रकम इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद है? हाँ, मेरे पास मौजूद है। ठीक है, सिंहपुरे में जो छोटा मैदान है ना, उसकी छोटी गली में आ जाओ। ठीक है, लेकिन मेरा बेटा आज ही रिहा होना चाहिए। हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? बताता हूँ। क्या हुआ बताएं तो सही। बताता हूँ, तुम जरा पुलिस को इन्फॉर्म करो। जी भजन, मैं करता हूँ। क्या हुआ है बताएं। पुलिस को इतना मिलने के बाद वो भी हरकत में आई, लेकिन संगीन वारदातों में मुलविस अगवाकारों को गिरफ्तार करना कोई आसान काम ना था, एक चैलेंज था। लिहाजा तमाम तर हालातों वाकयात को सामने रखने के बाद पुलिस ने अपनी हिकमत अमली तरतीब दी थी।
रुको। रुक, रुक, रुक। पकड़ो, पकड़ो। उस्मान? उस्मान ये पकड़ो बैग। उस्मान, तुम? मेरा ड्राइवर? लाना था तुम्हारी जिंदगी पर। जो, इधर आ। करते हैं इसका। चलो। पुलिस ने मुलजिम उस्मान को रकम वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उसी की निशानदेही पर उसके मजीद चार साथियों को गिरफ्तार करके मगवी अदीलुर रहमान को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया था। पुलिस ने मुलजिमान की निशानदेही पर आयशा नामी नौजवान खातून को भी हिरासत में लिया, जो ग्रोह की सरगुना और मास्टरमाइंड बताई जाती है। आयशा कौन है? इसने अगवा ब्राय तावान का सिलसिला कब, कैसे और क्यों शुरू किया? इसने तीन बार सिर्फ हफीज और इसके बेटे को ही क्यों अगवा किया? ठेकेदार हफीज के बारे में मालूमात इसे कैसे हासिल हुई? इन तमाम राजों से पर्दा उठाते हुए मुलजिम आयशा ने बताया कि उसकी पहली मुलाकात ठेकेदार से एक निजी महफिल में हुई थी। वो हफीज की शख्सियत से बहुत मुतासिर हुई और दोनों ने फोन नंबर्स का तबादला किया और फिर यही फोन नंबर्स इनको करीब लाने का जरिया बन गए। हेलो, क्या हाल है मिस्टर हफीज? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, झूला झूल रही थी। अगर आपको इनकार ना हो तो आपसे मुलाकात हो सकती है। क्यों? ये मुलाकात पर कुछ खास बताऊंगा। कुछ खास? बहुत खास। ऐसा क्या है जो फोन पे नहीं बता सकते? मेरी जान, अब हर बात फोन पर तो नहीं हो सकती ना। आपने तो सस्पेंस ही क्रिएट कर दिया। बताइए कब मिलना है? कल मेरा ड्राइवर आएगा, वो आपको ले आएगा। ओके ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज। हफीज साहब, आज तो मजा ही आ गया। इतना लाहौर तो मैंने जिंदगी भर नहीं घुमा जितना आज आपने मुझे घुमा दिया। मेरी जान, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन अभी तक वो खास बात बताई नहीं जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था। देखो आयशा, मुझे लंबी चौड़ी तमहीद बांधना नहीं आती। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, हमेशा सीधी और सच्ची बात करता हूँ ताकि वक्त बच जाए। मैंने सुना है बिजनेसमैन और सियासतदान कभी सीधी बात नहीं करते। तुम मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ पाओगी। चलो मान लेते हैं, अब बता दीजिए। हाँ, गाड़ी में बैठ के बात करते हैं, आइए। हफीज साहब, आपने अभी तक वो मुझे बात बताई नहीं। आप कहती हैं तो बता देता हूं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी मुझसे? क्यों? आप तो शादीशुदा हैं। इस क्यों का सादा सा जवाब है, आप मुझे अच्छी लगी, मैंने आपको ऑफर कर दिया। लेकिन आपकी तो फैमिली है, औलाद है, मैं उनमें कैसे एडजस्ट करूंगी? आपका मेरी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं होगा। घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस और ड्राइवर, सब कुछ आपके पास होगा। और ये तो उस वक्त तक होगा जब तक आप मेरे साथ हैं। वैसे तो तुम मेरी पूरी कायनात की मालिक हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम करूंगा ताकि तुम्हें कोई खदशा ना रहे। देखते हैं आधी जायदाद लगाते हैं या क्या करते हैं। चले। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक हफीज एक दौलतमंद उम्र रसीदा शख्स था जो अपनी जिंदगी की 50 बहारें देख चुका था, जबकि आयशा एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी जो हफीज से ज्यादा उसकी दौलत में दिलचस्पी रखती थी। हकीकत में यह शादी एक कारोबारी डील थी जो जल्द ही तनाज़ात का शिकार हो गई थी। कमाल है,
8 दिन के बाद शक्ल दिखाई है और फोन है कि जान ही नहीं छोड़ रहा। तुम एक मिनट चुप नहीं रह सकती, कान खोल कर सुन लो, इन हालात में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तुम जिस चीज की हकदार हो मैं समझ गया हूँ, तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगी। हाँ हाँ क्या हो गया यार तुम्हें, तुम बात को समझते क्यों नहीं हो? हाँ ओ भाई पहले फाइल तो आगे पहुंचाओ, खर्चा पानी भी मिल जाएगा। आ गए आप? एक मिनट यार, मैंने कहा है ना कि तुम्हारे साहब का हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। ओके अल्लाह हाफिज। इतनी देर लगा दी आपने? हाँ बेटा बोलो। हाँ यार उसे कहो कि पापा शहर से बाहर गए हुए हैं, हाँ वापिस आऊंगा तो पैसे मिल जाएंगे, पहले माल तो साइट पर पहुंचाओ ना। हाँ हाँ बस कह दो तुम। कमाल है, 8 दिन के बाद शक्ल दिखाई है और फोन है कि जान ही नहीं छोड़ रहा। तुम एक मिनट चुप नहीं रह सकती, हटाए इसको। तुम अच्छी तरह जानती हो यहाँ हर एक को मुंह देना होता है। मुंह तो क्या देते हो, मुझे तो लगता है हर किसी को गोलियां देते होंगे। ठेकेदार की बीवी हो, समझदार हो गई हो। ये आप हर किसी को आश्रय में ही क्यों रखते हैं? मेरी जान यहाँ हर किसी को आश्रय में रखना पड़ता है, सिवाय उन लोगों के जिनसे काम निकलवाना होता है। जैसे अब तक मुझे आश्रय में रखा हुआ है। क्या तुम्हें किस बात पे आश्रय में रखा हुआ है? याद करो तुमने क्या कहा था और अब तक मुझे दिया क्या है? दिया क्या है? घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ड्राइवर, और तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन ये जो कुछ भी है आधा नहीं है, तुमने आधी जायदाद देने का वादा किया था मुझे। तुम्हें जो कुछ मैंने देना था वो दे दिया, ये आधे का चक्कर अपने जहन से निकाल दो। ये नहीं हो सकता, तुमने शादी से पहले मुझसे वादा किया था। हाँ लेकिन मेरी फैमिली है, औलाद है और तुम अकेली औरत, आधा हिस्सा कैसे दे दूं, कहां से दूं? औलाद मुझे भी हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए। क्या जो तुमने सुना मैंने वही कहा है। लेकिन मुझे चाहिए। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। और चलो दफा हो जाओ। आयशा की तबीयत में ग्रीडीनेस का फैक्टर भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, जिसको लालच कहा जाता है। लालच के साथ साथ उसके अंदर शायद कंपैरिजन भी पैदा होता जा रहा है, क्योंकि वो ये उसको ये चीज़ मालूम है कि उसके हस्बैंड के दूसरे बीवी बच्चे भी हैं, और वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको भी दे रहे हैं। वहाँ पर शायद वो अपने आप को उन दोनों से कंपेयर करना शुरू हो गई है, और वो ये चाहती है कि उसके हस्बैंड अपने उन घर वालों से ज़्यादा उसे ध्यान दें और उनसे ज़्यादा उसकी ख्वाहिशात को पूरा करें, और यही चीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा पाने की चाहत में मुब्तला करती जा रही है। गुड, एक्सीलेंट। बेटे ये फाइल यूसुफ साहब के पास ले जाओ। जी बाबा। अच्छा उन्हें उस्मान, उस्मान, उस्मान। जी मैडम। तुम्हारी हफीज साहब से मुलाकात हुई? नहीं मैडम। फोन पर बात होती है? कभी कोई बात करनी हो तो खुद फोन कर लेते हैं, वरना वो कहते हैं मैं आपका मुलाजिम हूँ, अपना काम नहीं मुझे बोलते। फोन है तुम्हारी जेब में, जरा मिलाकर दो मुझे। और हाँ देखो अब तुम इस काम में आ जाओ, ये सारे मामलात मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब यूसुफ साहब से फारिग हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, एक बहुत जरूरी काम है तो मैं फोन पर बता दूंगा। हेलो। एक ड्राइवर की कार उठा सकते हो, मेरी कार का जवाब क्यों नहीं देते? बेटे आप जाओ। ओके बाबा। नौकरों के सामने ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत नहीं है, मुझे है।
घर आओ, मेरे साथ बैठकर फैसला करो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा फैसला बहुत जल्द कर दूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुमने शादी ही जायदाद के लालच में की थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे नहीं मालूम था कि तुम एक फैमिली के होते हुए शादी क्यों कर रहे हो। कान खोल कर सुन लो, इन हालात में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तुम जिस चीज की हकदार हो मैं समझ गया हूँ, तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगी। हेलो हेलो हेलो, मैं जाऊं मैडम। हाँ ठीक है, तुम जाओ। पुलिस का कहना है हफीज वादे के मुताबिक जायदाद में हिस्सा देने को तैयार ना था, जबकि आयशा आधी जायदाद का तकाजा कर रही थी। इख्तलाफात ने शिद्दत इख्तियार की तो हफीज ने अपने वकील के जरिए आयशा को तलाक भिजवा दी। आयशा अपनी नाकामी पर भड़क उठी थी। वो एक ऐसे जख्मी परिंदे की मानिंद थी जिसके अचानक पर काट दिए गए, लेकिन वो किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार ना थी। वो हफीज से इंतकाम लेना चाहती थी, लेकिन कैसे। यस कम इन। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ बैठो। मैडम खैर थी आपने बुलाया? हाँ खैरियत ही थी, मुझे तुमसे बात करनी थी। उस्मान तुम जानते हो हफीज ने मुझे अपनी जिंदगी से और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। मुझे तो जी उन्होंने मुलाजिम ही आपके लिए रखा था। अब तुम क्या चाहते हो? मैडम जो कुछ आपके साथ हुआ मुझे उससे हमदर्दी है, आपके पास रहना भी चाहता हूँ, आगे जो आपकी मर्जी। लेकिन मेरे लिए अब तुम्हारा खर्चा उठाना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ मैडम, लेकिन आप जो भी हुक्म देगी मैं मानूँ। मैं जो हुक्म करूँ मान लोगे? हम नौकरों के पास और चारा भी क्या है, हमारी कौन सी सरकारी नौकरी है जी। तुम अच्छे हो, मैं तुम्हें निकालना नहीं चाहती, शादीशुदा हो। नहीं जी शादी अभी नहीं की। करनी तो है जी, पहले नौकरी का तो कुछ हो जाए फिर शादी भी देख लेंगे। अगर तुम्हारे दोनों काम हो जाएं तो? मैं समझा नहीं। मेरी तरफ देखो, शादी तुम्हें भी करनी है, शादी मुझे भी करनी है, लेकिन मैं शादी उस वक्त तक नहीं करूंगी जब तक हफीज से इंतकाम ना ले लूं। उन्होंने हम दोनों के साथ बहुत बुरा किया जी। अगर तुम साथ दो तो? मैं आपके साथ हूँ जी। ठीक है, तुम अपने दोस्तों से बात करो। मैं उनसे भी बात कर लूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक ये काम नहीं हो जाता मैं मैडम और तुम ड्राइवर रहोगे, और बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। जो होगा मैडम। मुल्ज़िम आयशा ने अपने जुर्म का इकरार करते हुए बताया कि वो इंतकाम की आग में अंधी हो चुकी थी। वो हर कीमत पर ठेकेदार हफीजुर रहमान को माली तौर पर तबाह करके फुटपाथ पर लाना चाहती थी, क्योंकि हफीज ने वादा खिलाफी की और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक मुल्ज़िमा आयशा नहायत चलाक, मक्कार और लालची औरत है, जिसने अपनी खूबसूरती से फायदा उठाकर अपने से दुगनी उम्र के शख्स से शादी की और उसकी दौलत हथियाने की कोशिश की, जिसमें नाकामी के बाद भी बाज ना आई और अपने ही ड्राइवर मुल्ज़िम उस्मान को शादी दौलत का लालच देकर अपने साथ मिलाकर प्लानिंग के तहत मुल्ज़िमान का ग्रोह इस तरह तरतीब दिया कि बज़ाहिर उस्मान ग्रोह का सरगुना नजर आए, ताकि उस्मान की गिरफ्तारी की सूरत में मुल्ज़िमा अपने आप को बचा सके। लेकिन पुलिस की प्लानिंग ने मुल्ज़िमा को फरार होने का मौका ही ना दिया और गिरफ्तार करके 23 लाख रुपए नकद और असलहा बरामद कर लिया। किसी की आँख से सपने चुरा कर कुछ नहीं मिलता, मुडेरों से चराहों को बुझा कर कुछ नहीं मिलता, कोई एक आध सपना हो तो फिर अच्छा भी लगता है, हजारों ख्वाब आंखों में सजा कर कुछ नहीं मिलता।